हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं, आरआरबी पीयू मेंस 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे। आज हम रीजनिंग का पेपर करेंगे। आज मैथ का पेपर मैं करा चुका हूँ अभी 2 दिन पहले। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा उसका, और एक साथ में अभ्यास जो मैगजीन आशीष सर ने लॉन्च की थी उसके भी अर्थमेटिक का मैं सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, तो वो भी आप प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी देख लीजिए। वैसे मैं लिंक भी डाल दूँ। आगे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में जाके जस्ट सर्च करना है @bankexam2020। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको जस्ट सर्च करना है @mathsquiz188। और अगर आपको कोई कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को अगर डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना @kichad/18। आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर पाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो ही वीडियो आप अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। 1 मिनट रुक, 10 सेकंड रुकना, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या है यहाँ पे। टेस्ट क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 26 से 30 है। ये मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया था, मेरे को क्वेश्चन चेंज करने का टाइम नहीं मिला क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं, क्योंकि लास्ट में ज्यादा पजल हो रही थी तो फिर मैंने थोड़ी स्टार्टिंग में पजल ली है फिर लास्ट में आया। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे दोनों टाइप रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी, जिसको जिसमें करना है वो उसमें कर सकता है। तो 8 person PQRSTUVNWR sitting around a circular table facing the center। सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है, तो सर्कुलर टेबल दो तरीके से सोल्व किया जाता है। एक तो ये जैसे सर्कल बना लिया, ये 8 मेंबर हो गए, ठीक है। एक दूसरा, अगर यहीं से कहीं से भी अगर अपन इसको कट करके खोलें तो ये ऐसे एक लीनियर रो बन जाएगी 8 मेंबर की, इसको कहते हैं थ्रेड मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों बताऊंगा। ये मोस्टली कब काम आता है, जब आपके पास आ जाता है अनसर्टेन रो आ गई, अनसर्टेन सर्कुलर मेंबर आ गए, तो वहाँ पे आपको ये बहुत यूजफुल रहता है। तो आइए हम आज दोनों देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये मैंने आगे थोड़ी सी स्लाइड बना के रखी है पहले से। तो हम पहले किस पे बनाएंगे, पहले मैं आपको सर्कल वाला बता देता हूँ जिसमें 8 मेंबर होते हैं आमने सामने। ऑल फेसिंग द सेंटर, सारे सेंटर देख रहे हैं तो मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक मान लेना। दे ऑल हैव डिफरेंट एज, 15, 13, 35, 36, 60 और 28 और 72 एंड 59, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। कैसे कैसे हैं, 13, 15, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद 28, फिर 35, 36, 59, 60 और 72, 59, 60 और 72, 8 हो गए, 5 हो गए। अब आइए अपन स्टार्ट करते हैं। मेरा मानना है, सबका अलग अलग मानना होता है, मेरा मानना है जब भी आपके पास कोई पजल आए लास्ट की 2 से 3 लाइन, मतलब 2 से 3 जो भी पॉइंट होते हैं वो जरूर स्टार्ट में पढ़ें, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करें ऊपर से। तो मैं यहाँ पे जैसा कि मैं करता आया हूँ आज तक वैसे करेंगे। तो देखते हैं, वन हुज एज 59 ईयर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज एज 60 ईयर। तो एक अपना डिनोट करने का, अब ये लाइन हमने पढ़ ली, हम उसमें डायरेक्ट तो ये लाइन लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी हमारे पास कोई आगे क्ल्यू नहीं है। तो हम एक जगह ऐसे लिख लेते हैं जहां से अपने को दोबारा वापस ये पजल
ये अरेंजमेंट उठा के नहीं देखना पड़ेगी या क्या था। तो जैसे 59 वाला है वो 60 के थर्ड लेफ्ट में है, ये ऐसे मैंने डिनोट कर लिया कि ये जैसे 60 का अगर नॉर्थ डायरेक्शन हुई तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो ये इसके थर्ड लेफ्ट है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन टी हु द एल्डेस्ट पर्सन, मतलब टी सबसे बड़ा है तो टी की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे 72 हो गई, और 3 पर्सन किसके बीच में एंड द वन हुज एज 59 ईयर ओल्ड। टी और 59 के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। अब ये कौन सी साइड क्या है हमें नहीं पता अभी तक, पर जब भी 8 मेंबर की बात होए, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो भी अरेंजमेंट होए, जब भी 3 मेंबर की बात होती है तो जैसे ये एक और एक, ये 2 मेंबर हो गए, तो 3 इधर 3 इधर आएंगे, तो ये क्या अपोजिट नहीं हो जाएंगे हमेशा। अगर 8 मेंबर हो रहा है तो जब 3 मेंबर बीच में है, मिड में है, बिटवीन में है, तो वो हमेशा अपोजिट ही होते हैं। जैसे 10 मेंबर की सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ तो उसमें 4 मेंबर अगर आपको बोल रहे हैं तो मतलब वो आमने सामने बैठे हैं। ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बहुत काम आती हैं। तो ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये इतनी लाइन हो गई। इसके बाद एस एंड पी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, एस और पी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, बट नाइदर ऑफ देम इज मोर देन 36 ईयर ओल्ड। 36 तक तो हो सकते हैं, मोर देन 36 नहीं हो सकते। मतलब एस और पी की एज यहां से यहां तक ही होगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यू टी का नेबर नहीं है, ये मैंने क्रॉस कर दिया। जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ वो भी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप अलग तरीके से लिखते हो, इसमें कोई कुछ कैसे भी लिखे पर आपको ध्यान में रखने चाहिए, आपके खुद के होने चाहिए वो, ठीक है। डब्ल्यू एज इज नॉट 60 ईयर ओल्ड, डब्ल्यू 60 का नहीं होगा। एंड ऑल्सो ही डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये आर के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होगा, ठीक है। पी इज 1 ईयर यंगर देन एस, अगर पी इज 1 ईयर यंगर देन, मतलब पी की एज में अगर मैं एक ऐड करूं तो एस की एज हो जाएगी क्या, मैं 13 में एक ऐड करूं तो 14 मेरे पास है, नहीं है। 15 + 1 16 नहीं है मेरे पास, 28 + 1 29 नहीं है मेरे पास, फिर 35, 35 + 1 36 है। अगर P की 35 हुई तो S की 36 हो जाएगी, क्या मैं S और P की एज में 36 से ज्यादा जा सकता हूँ, जो कि एक ऑप्शन आपके पास 59 से 60 है, पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये बोला था नाइदर ऑफ देम इज मोर देन 36 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये P और S की एज होगी, P की हो गई 35, S की हो गई 36। नेक्स्ट, W इज यंगर देन R, W R से छोटा है, मतलब W की एज, जैसे ऊपर की एज छोटी लिखी हुई है तो मैंने W को ऊपर की साइड लिख दिया, ठीक है। क्यों, हुज एज इज ए मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि एज 7 का मल्टीपल होगी क्या, एक तो 7 का मल्टीपल 28 है, फिर आगे कोई और मल्टीपल 35 था पर वहां पे P आ चुका है, तो क्योंकि एज 7 का मल्टीपल क्या होगी 28। नेक्स्ट, क्यों हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 7 सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्यों आर के सेकेंड लेफ्ट में बैठा होगा, ठीक है। एंड 3 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में 3 पर्सन है, वही बात, मतलब ये दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड द हुज इज एज 60 ईयर ओल्ड, आर और जो 60 ईयर ओल्ड है उनके बीच में 1 पर्सन बैठा है, ठीक है। आगे के पॉइंट हमने स्टार्ट में कवर कर लिए थे, तो मेरे को क्या दिख रहा है, 59 से 60, 60 से R, R से P, क्यों, फिर R से W नहीं आएगा, फिर हो गया, और ये 59 से ये T हो जाएगा, तो ये 60 हुआ अगर ये, तो उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 थर्ड लेफ्ट,
59 वाला हो गया। 59 और टी के बीच में तीन का गैप, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, आगे हम कहां से कनेक्ट करें, एक का हम कनेक्ट कर सकते हैं 60. R, 60 और R के बीच में एक, मान लो R यहां आ गया, और R के सेकंड लेफ्ट में Q, तो Q यहां आएगा। अगर R यहां आया तो Q यहां आएगा, तो क्यों यहां आते, क्योंकि एज क्या होगी 60, मेरे पास क्या बोल रहा है, क्योंकि एज 28 होगी, 60 नहीं होगी, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ठीक है, तो अपने पास सेकंड कंडीशन क्या बचती है, ये आपको लिख के नहीं है, ओरली आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि अगर मैं आर को यहां लू, आर को मैं यहां लू, तो पी यहां आएगा, क्यों यहां आएगा, जो कि क्योंकि एज नहीं हो सकती। तो 60 ये हो गया, तो एक छोड़ के आर यहां बैठा होगा, तो आर के सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, और ये सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे क्यों बैठा हुआ, क्योंकि एज क्या दे रखी है, 28 दे रखी है। ये उसके बाद आपको बोल रहा है एस और पी दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं, क्या एस और पी ये दो जगह लगातार मेरे को खाली दिख रही है, मैं यहाँ रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, क्योंकि एस की एज 36, पी की एज 35, दोनों की एज अपने को पता है, तो एक की एज यहाँ वाले की एज 60 होगी, तो मैं क्या यहाँ दोनों को रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। तो एस और पी पर मेरे को एक लाइन और बोली हुई थी, मैं भूल रहा हूँ, आर के अपोजिट में पी, तो डायरेक्ट मैं पी को यहाँ लिखूंगा, और एस उसका नेबर है तो एस को यहाँ लिखूंगा। कुछ गलत किया मैंने, नहीं किया। पी की एज अपने पास कितनी थी, 35। एस की एज अपने पास कितनी है, 36, ठीक है। उसके बाद अपने को बोल रहे टी यू के पास में नहीं होगा, तो यू यहाँ नहीं बैठेगा, तो यू यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है, बट अपने को बोला है डब्ल्यू 60 नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू और यू दोनों यहाँ नहीं आ रहे, तो दोनों में से कोई ना कोई यहाँ जाएगा, डब्ल्यू और यू में से, तो एक जो पर्सन बचा है वो कौन सा बचा है, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, पी आ गया, एस आ गया, यू वी बचा है, तो वी ये हो गया 60। तो फिर अपने को अब बचा क्या है, यू और डब्ल्यू बचा है ना अपने पास, सिर्फ डब्ल्यू के लिए क्या बोला भाई, ये आर के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होगा, तो डब्ल्यू यहाँ नहीं होगा, तो डब्ल्यू कहाँ होगा, यहाँ होगा, डब्ल्यू यहाँ हुआ, तो ये जो बचा था यू यहाँ हो गया। अब दोनों की एज बची है, डब्ल्यू और आर की, टी की भी एज बची है, टी का यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग में दे दिया था, टी की एज 72। डब्ल्यू और आर में डब्ल्यू की एज आर से कम होगी, तो अपने पास बचाव क्या हुआ है, 13 और 15, तो डब्ल्यू की एज होगी 13, आर की एज नहीं, हाँ डब्ल्यू की एज 13 और आर की एज 15, ये अपने पास एक अरेंजमेंट बन गया, यही अपने से पूछा था, ठीक है। अब इसका सेकेंड मेथड क्या होता है, थ्रेड मेथड। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, इजी मेथड है, बट एक थ्रेड मेथड जरूर देखते हैं अपन, क्योंकि वो आगे आने वाली, मतलब जो भी आपको जैसे एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, हमें नहीं पता कितने मेंबर हैं। दोस्तों 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, बारिश आ गई है, बाहर कुछ सामान पड़ा है, वो मेरे को अंदर रखना पड़ेगा, तो आई होप, सॉरी दोस्तों, रुकना पड़ेगा आपको। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा एक अर्जेंट बीच में आ गया, तो चलो आइए देखते हैं अपन थ्रेड में फिर।
मैं इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ यहीं पे देखेंगे थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड मतलब बीच में से कट कर दिया है। ये एक लाइन है अपने पास, इस पे ये 8 लोग होंगे। ठीक है, तो अपन ये स्टार्ट कहां से करेंगे? कहीं से भी कर लो बीच में। अपने को क्या बोला हुआ है, 59 जिसकी एज है वो 60 के थर्ड लेफ्ट में होगा। अगर 60 वाला ये है तो 59 वाला इसके थर्ड लेफ्ट ये हो जाएगा। और 59 और टी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों में मतलब 3 का गैप है, तो 1 2 3 टी यहाँ आ गया। अब आप कहोगे कि इस साइड से, तो 1 2 3 इस साइड से भी टी यहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आगे अपने को कनेक्ट करनी थी 62 R वाली लाइन। तो 60 से R अगर मैं इस साइड लेता हूँ तो क्यू को R के सेकेंड लेफ्ट मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा, पर क्यों यहां आ नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है क्योंकि एज 28 हुई। क्योंकि एज अगर 28 हुई तो मेरे को 60.8 मतलब 1% के गैप के साथ आर मेरे को यही लेना पड़ेगा। और आर के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू, तो ये क्यू हो गया। और आर और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 3 का गैप, तो 1 2 3 3 का गैप पी पी हो गया। अब पी की एज मेरे पास 35 है, और पी और एस दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो एस की एज 36 हो गई। अब आगे क्या बोला हुआ है, डब्ल्यू डब्ल्यू जो है उसकी एज 60 नहीं होगी, तो यहाँ डब्ल्यू नहीं हो सकता। और आर के इमीडिएट लेफ्ट डब्ल्यू नहीं है, तो डब्ल्यू के लिए यही जगह बची ना। अब बच्चा अपने पास यू और वी। यू का बोला हुआ है कि वो टी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, कहाँ बोला था, ये यहाँ, तो U यहाँ हो गया, तो V यहाँ हो गया। Q की एज अपने को 28 है यहाँ से, तो सारी एज आ गई। और T की एज अपने पास 72 है, तो W और R की एज बच गई। W R से छोटा है, तो 13 और 15 दो ऑप्शन है अपने पास, तो W अगर R से छोटा है तो W की एज 13 हो गई, R की एज 15 हो गई। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है आपके, मतलब कितने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जितने भी आए हुए होंगे एग्जाम में वो है। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाना है, तो मैं बताता हूँ। देखो, एक और दो दो तीन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब ये दे रखा है, वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन वो एज इज 59 ईयर ओल्ड। 59 के जो भी थर्ड में बैठा है वो कौन है, तो 59 के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, आ गया 59 ये रहा। अब 59 के थर्ड लेफ्ट में आप कहोगे कि एक, फिर आगे तो कोई है नहीं भाई, ये जुड़ा हुआ है आपस में, सर्कल मानना है आपको मन में दिमाग में। तो ये एक, ये सेकेंड लेफ्ट, तो ये थर्ड लेफ्ट कौन हो गया, पी पी हो गया, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आई होप बाकी के आप कर लेंगे क्वेश्चंस, जब अगर पजल ही बन गई है तो क्वेश्चन में तो क्या बचा है। अगर आप पीओ मेंस दे रहे हैं तो फिर वैसे ही आपको इतना तो आता ही है क्वेश्चन। चलिए तो आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट। फिर से आपके सामने एक पजल है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 12 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पर्सन ईच इन ए वे दैट देर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन। दो एडजेसेंट पर्सन के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगी सब जगह पे। तो यहाँ क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ सिट इन रो 1 एंड फेस नॉर्थ। नॉर्थ मतलब अपने यहाँ ऊपर की साइड होता है नॉर्थ, और साउथ मतलब नीचे की साइड, ये याद है, और ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। और पी क्यू आर एस टी यू सिट इन रो 2, सिट इन रो 2 एंड फेस साउथ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी ई और एफ, नॉर्थ फेस करेंगे, पी क्यू आर एस टी
यू, ये साउथ फेस करेंगे ऐसे। तो मेरे पास कितने मेंबर बनाने, मेरे को 6 मेंबर बनाने, तो ये मैं 6 मेंबर की 2 लाइन बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, जिसमें ये ऊपर वाले हैं उनको मैं साउथ दिखा रहा हूँ, साउथ फेस करेंगे। आप नीचे वाली लाइन को भी ले सकते हो और ये नॉर्थ फेस करेंगे। हो गए एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से है क्वेश्चन, ये सब कुछ तो दिया हुआ था, यहाँ से स्टार्ट है। ए सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के फोर्थ लेफ्ट में है, ठीक है। एंड वन ऑफ देम सिट एट कॉर्नर, दोनों में से एक जना जरूर कॉर्नर पे है, दोनों में से एक। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एक पर्सन है। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, अब देखना मैंने यहाँ 3 पर्सन डिनोट करे हैं, पर ये क्या लेफ्ट साइड ये डिनोट कर रहा है, यहाँ एक पर्सन है पर मैंने कोई लाइन नहीं लगाई, मतलब कोई सी भी साइड हो सकते हैं ये, हमें अभी तक नहीं पता। आगे बोल रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, ये हो गई। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में सी, फिर देखो एरो डिनोट कर रहा है राइट में, ये अपने साइड राइट होता है ना, और ये अपने लेफ्ट साइड। अब कैमरे में कैसा दिख रहा है मेरे को नहीं पता, उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है। आर फेसेज सी, आर ऊपर वाली रो में था, किसको फेस कर रहा है, सी को। मोर देन 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में मोर देन 2 पर्सन होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में सिर्फ 1 पर्सन होगा। एंड टी डज नॉट सिट नियर टू क्यू, टी क्यू के पास नहीं होगा, यही बोला ना डज नॉट। हाँ 2 पर्सन सिट बिटवीन यू, 1 मिनट, 2 पर्सन सिट बिटवीन यू हु फेसेस ई, यू ई को फेस कर रहा है। एंड एस हु डज नॉट फेस ए, यू और एस के बीच में 2 पर्सन है और वो एस है जो ए को फेस नहीं कर रहा, ये मेरे पास आ गए। अब मेरे पास क्या 2 कंडीशन बचती है, दो वो बच रही हैं, 2 केस बच रहे हैं, या तो ए कॉर्नर पे आ जाए या मेरे पास बी कॉर्नर पे आ जाए। अगर मेरे पास ए कॉर्नर पे आया तो 1 2 3 के गैप के बाद बी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, और सेकेंड कंडीशन में एक तुरंत साथ में ही लेके चलूंगा, अगर जो उसमें कर रहा हूं वही इसमें करूंगा एक साथ, 1 2 3 4 5, ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो बी अगर कॉर्नर पे आता है तो ये बी और 3 का गैप के साथ ए यहाँ आ गया। अब आगे बोल रहा है डी से, डी के सेकेंड थर्ड राइट में सी, अगर डी में यहाँ लूं तो 2 छोड़ के सी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी मेरे को यहीं लेना पड़ेगा ताकि सी यहाँ आ जाए। अगर मैं डी यहां लूं तो 1 और 2 सी आ जाएगा, सेकेंड कंडीशन यहां बचती है डी, तो 1 और 2 सी यहां नहीं आएगा, डी यहां लूं तो फिर आगे तो आ नहीं सकता, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, सी आर के अपोजिट होगा, ये आर हो गया और सी के अपोजिट आर, ये आर हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आर डॉट क्यू, आर और क्यू के बीच में 1 का गैप होगा, तो क्यू को अगर मैं यहां रखूं तो एक कंडीशन मेरे को ये भी दी हुई थी, क्योंकि राइट में 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो 1 2 3 हो रहे हैं, 2 से ज्यादा हो रहे हैं, हाँ जी एक अब इसमें आते हैं अपन आर डॉट क्यू, अगर मैं आर और क्यू क्यू यहाँ लिखूं तो क्या मेरे पास क्यू की राइट में 2 से ज्यादा हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, तो मतलब क्यू इस साइड नहीं लिख, इस साइड नहीं रख सकते अपन, तो मेरे को क्यू को दूसरी साइड रखना पड़ेगा, तो ये क्यों हो गया। अब क्यू की राइट में हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं। अब आगे क्या दिया हुआ अपने को, यू और एस, यू ई के अपोजिट है, क्या ई अगर मैं यहां रखूं तो यू आ सकता है, नहीं आ सकता, तो मेरे को ई यहां रखना पड़ेगा, तो ये यू हो गया। अब नीचे वाली लाइन में सिर्फ एक बंदा बचा है, वो है एफ, होगी नीचे वाली लाइन पूरी। अब यू और डो डॉट, यू और दो एस, ये एस आ गया, ठीक है। अब अपने को एक और क्या लाइन बोली हुई थी, पी डॉट टी, टी किसके पास नहीं है, क्यू
के पास नहीं है, तो टी डॉट पी, ये अरेंजमेंट आपके पास बन गया। पर ये अरेंजमेंट भी बन रहा था, अभी तक बना नहीं है पूरा। वैसे बन गया, आप रिस्क लेके आगे कर सकते हो, कई बार हो सकता है दोनों अरेंजमेंट बने और आपसे क्वेश्चन में बोला जाए इफ ये हो तो क्या होगा, इफ वो हो तो क्या होगा। तो अब आगे इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोला भाई, बी और सी के यानी यू और एस के बीच में दो का गैप होगा और एस ए मतलब यू ई का सामना कर रहा है। तो एक कंडीशन तो ये बचती है मेरे पास कि यू और ई मैं यहां रख दूं, तो यू डॉट डॉट एस एक छोड़ के, एक छोड़ दो छोड़ के एस यहां रख सकता हूं, मैं नहीं रख सकता इस साइड, तो मैं वैसे भी नहीं रख सकता था, तो ये कंडीशन हो गई गलत। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि उस साइड लेके, पर मैं आपको बता देता हूं कि गलत क्यों हो रही है। तो ये यू और ये ई, अब नीचे वाली लाइन में सिर्फ एक बचा एफ, अब यू और दो छोड़, यू से दो का गैप करके एस आएगा, और वो एस किसके सामने नहीं है, ए के अपोजिट नहीं है, तो इसमें एस ए के अपोजिट आ रहा है, तो ये अपने पास केस रॉन्ग हो गया और ये केस राइट हो गया, ये पजल हो गई सेकेंड। तो इसमें हमको दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ तीन क्वेश्चन। जैसे अपन करते हैं क्वेश्चन, ये तो आप बता ही दोगे कि एग्जैक्टली बीच में कौन है और ए को फेस कौन कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ट इन ए ग्रुप, पांच जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से चार जो ग्रुप के मेंबर हैं वो एक रूल सेम रूल फॉलो कर रहे होंगे, बट एक जो ऑप्शन है वो अलग है, तो वो कौन सा ऑप्शन है वही अपने से पूछ रहा है। तो अपने को दिया हुआ है आर टी बी सी ए, आर टी बी सी ए दिया हुआ है ना, आर का है आर P, B, C, A। अब आप खुद बता दो यहाँ पे सबसे अलग कौन हो गया, B हो गया ना, क्योंकि तो बाकी चार तो चार कोनों पे बैठे हैं, B कहाँ बैठा है, मिडिल में बैठा है, तो B इसका आंसर हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आइए आपके पास इनक्वालिटी, बस बच्चा यही राजी हो जाता है, बच्चा यही खुश हो जाता है। अपने से पहले तो पहले डायरेक्शन में ये देख लेना, फॉलो पूछा है या डजेंट फॉलो पूछा है, डेफिनेटली फॉलो या डेफिनेटली अनफॉलो, क्या पूछ रहे हैं। रीड द दीज स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय थ्री या फोर कंक्लूजन, रीड द स्टेटमेंट एंड देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन। फॉलो फॉलो पूछ रहे हैं, फॉलो पूछ रहा है तो हम फॉलो वाले कर लेते हैं। अब पहले में बोल रहा है कि बी बड़ा होना चाहिए क्यू से, ठीक है बी कहाँ है मेरे पास, बी ढूंढो जल्दी से, बी ये रहा एक, बी ये रहा, बी किस किस से बड़ा हो सकता है, एफ और एम से हो सकता है, और फिर एफ और एम से अपने पास जाना कहाँ है, क्यू के पास, क्या क्यू यहाँ है, नहीं है, पर क्यू तो इस लाइन में हो डायरेक्ट दे रखा है, बी से क्यू आप डायरेक्ट जा सकते हो ना, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, कोई रिलेशन वैसे नहीं आया कि मतलब अपोजिट साइन कहीं नहीं आया, तो बी से क्यों क्या हो गया राइट हो गया। अब आपको अरे ये बी ग्रेटर इक्वल क्यों था, अब जब आपको एक कंडीशन होती है जैसे ये ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इन तीनों अगर हो तो अपन एक ही चूज करते हैं ये वाला, अगर ये दोनों हो तो अपन ये चूज करते हैं, अगर ये हो ये दोनों हो तो अपन ये चूज करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज पता होगी इतना, ठीक है तो आइए देखते हैं। पहला एक तो सही हो गया, एस सही हो गया, और ये था बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्या यहाँ पे कौन से साइन आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, इन दोनों में से अपन क्या चूज करते हैं, ये क्या यहाँ ये है, नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब अपने को बोल रहा है पी बड़ा होगा एफ से, मैं हमेशा बड़े की साइड से देखता हूँ, चाहे वो अपोजिट में लिखा हो ना, जैसे यहाँ भी मैंने ये देखा कि बी बड़ा है क्यू से, बी ग्रेटर है क्यू से, ग्रेटर वाला देखता हूँ, आप दोनों देख सकते हो, मैं ये देखता हूँ, ये मेरा मेरे मेथड है, आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे हिसाब से चलिए, ठीक है। पी से एफ जाना है, पी का है पी से, क्या मैं एस पी से मैं यहाँ से कहीं से भी कहीं भी जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा, आगे कहीं पी है, नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि पी बड़ा होगा एफ से, इसने स्टार्टिंग में बोल दिया पी एस से छोटा है, आगे मेरे को क्या पता क्या है,
पी किसी से भी बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। फिर आता है एम इक्वल बी, इक्वल तो एम से एफ इक्वल है पर एफ बी से छोटा है, ये दे रखा है एम लेस देन एफ इक्वल टू बी, तो ये बी और एफ तो सेम ही चीज है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम लेस देन बी, तो क्या यहाँ लेस देन है? नहीं है, तो ये भी गलत, तो ओनली फर्स्ट फॉलो कहीं नहीं दे रखा, तो ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ग्रेटर कंक्लूजन पे आते हैं डायरेक्ट, इसमें 4 से 7 पे डायरेक्ट ये बोल दिया था फॉलो है, 4 to 7 पे बोल रहा हुआ है, अगर आगे चेंज होता है तो देख लेना। ए से एन जाना है, मैं फिर बड़े से जा रहा हूं, ए से कहाँ गया मैं आर, आर से क्यू, क्यू से एल, मेरे को कहाँ जाना है एन तक, तो एल से तो ये एफ नहीं जा पा रहा मैं, और क्यू और आर इनमें से कोई कॉमन है नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर जाना है ई से के, ई से मैं एम की साइड नहीं जा सकता, ई से मैं इस साइड आ सकता हूँ, एफ और एल आ गया, एल से क्या मैं के जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, रॉन्ग। थर्ड एम से एल, एम से ई, ई से एफ, एफ से एल जा सकता हूँ, राइट। एम इक्वल एल, इक्वल का तो यहाँ कहीं कोई हो ही नहीं रहा, तो ओनली थर्ड फॉलो, फिर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सिक्स्थ, ओ से एफ, वाह यहाँ 3 ही ऑप्शन दिए हैं, ओ से एफ, ओ से एम, एम से टी, टी से बी, बी से एस, एस से एफ, कहीं साइन कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये आए थे साइन, इक्वल इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल इक्वल, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तो इन सब में क्या आता है? बाहर ग्रेटर आता है, तो यहाँ पे ग्रेटर ही दे रखा है, तो ये राइट। बी से ओ, ग्रेटर इक्वल चाहिए, बी से ग्रेटर इक्वल आ सकता है कभी? बी ग्रेटर इक्वल कब आ सकता है? जब ग्रेटर इक्वल के साथ सिर्फ और इक्वल हो, ग्रेटर इक्वल के साथ अगर ग्रेटर भी आ गया तो ग्रेटर बनेगा ना कि ग्रेटर इक्वल बनेगा, ये तभी आ सकता है, तो बी से ओ जाना है, तो बी से स्टार्टिंग में ही ग्रेटर आ गया मेरे पास, इट्स रॉन्ग, आगे नहीं चेक करना जा रहा है नहीं जा रहा। फिर जाना है यू से एस, तो यू से क्यू, क्यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एफ नहीं जा सकता मैं, तो क्यू और डब्ल्यू तक जा सकता हूँ, तो एस यहाँ पे है, क्या मैं एस क्यू और डब्ल्यू से आ सकता हूँ? नहीं आ सकता, इट्स रॉन्ग। फिर जाना है ओ से डब्ल्यू, ओ से डब्ल्यू जाना है, ओ से डब्ल्यू, मैं थोड़ा सा वो हो रहा था, ओ से एम चला गया, एम से मैं टी चला गया, टी से मैं बी चला गया, बी से मैं एस चला गया, एस से एफ चला गया, एफ से डब्ल्यू चला गया, सब जगह मेरे को सिर्फ यही मिला, तो इन सब में बाहर क्या आता है? ग्रेटर, तो क्या ओ से डब्ल्यू ग्रेटर है? हाँ जी है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ऑप्शन बी, वाह यहाँ 3 में भी ऑप्शन मिल गया, पहले 5 में भी नहीं मिल रहा था। लास्ट क्वेश्चन इनक्वालिटी का, क्यू इक्वल बी बोल रहे हैं, आप कहोगे कि बी और क्यू में तो ये साइन है, बी और क्यू में तो ये वाला साइन है, तो यहाँ पे दोनों में बाहर निकल के क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल, पहला जो ऑप्शन है कंक्लूजन उसमें दे रखा है आपको बी इक्वल क्यू, सेकेंड जो कंक्लूजन है उसमें दे रखा है आपको बी ग्रेटर क्यू, क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये कह सकता हूँ? तो मतलब इन दोनों में से एक चीज सही होगी, तो यहाँ आयदर लग गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन जेड से बी, जेड से मैं यू आ गया और बी जाना है मेरे को, बी यानी बी के लिए तो बी तो किसी से वैसे ही छोटा नहीं हो रहा, बी इधर ग्रेटर इक्वल और इधर ग्रेटर, तो ये डजन नॉट फॉलो। अब जाना है मेरे को बी से यू, तो बी से तो मैं एस आ गया, एस से ई आ गया, ई से मैं डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू से एल आ गया, एल से यू आ गया, सब जगह मेरे पास क्या है? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर फिर ग्रेटर, तो इन सब में बाहर क्या आता है? ग्रेटर, तो आइदर फर्स्ट, अब इसका ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली फोर्थ एंड आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ये ऑप्शन बनेगा, ये ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट, डाटा सफिशियंसी आ गई, डाटा सफिशियंसी में आपको मैं थोड़ा
थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, मतलब कैसे मैं करता हूँ, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को पूछ कह रहे बॉक्स B7 विथ रेस्पेक्ट टू B3, B7 और B3 की बात पूछ रहा है अपने को, क्या इसमें B7 और B3 दोनों दे रखे हैं? नहीं दे रखे, ओनली B3 दे रखा है, मतलब नहीं आ सकता इसमें B7 और B3, इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ B7 दे रखा है, तो यहां से आ रहा है, नहीं आ सकता। अब चलेंगे अपन ऑप्शन के थ्रू, अब कैसे चलेंगे अपन ऑप्शन के थ्रू, तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। अपने को रिलेशन किस में निकालना है, 7 और 3 में, बॉक्स में, 7 बॉक्सेस केप्ट अप वन अबव अनोदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है स्टेट में, ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स B5 एंड बॉक्स B6, 5 और 6 के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। विच इज केप्ट इन टॉप 3 पोजिशन, जो 6 वाला है ना वो टॉप 3 पोजिशन में होगा। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन B2 एंड B3, अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के चलेंगे, वही ऑप्शन चल रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉक्सेज केप्ट बिलो बॉक्स B5 इज सेम एज द नंबर ऑफ, अब जो 2 के ऊपर है उतने ही 5 के नीचे होंगे, ठीक है। अगर 6 वाला यहाँ होता तो 5 वाला यहाँ होता, 5 के नीचे कितने, 1 2 3, तो 1 2 3 2 के ऊपर होंगे तो 2 भी यहाँ, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। 6 अगर यहाँ होता तो 2 का गैप करके 5 में आया, 5 के नीचे कितने हैं 2, तो 2 के ऊपर भी कितने होने चाहिए 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। 2 2 और 3 के बीच में 1 का गैप, ये पर यहाँ जो क्वेश्चन था ना उसी में बोला हुआ है इफ बॉक्स 3 इज नॉट केप्ट एट द टॉप, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग। अगर 6 में यहाँ लेता तो 2 का गैप करके 5 यहाँ, ऊपर तो जा नहीं सकता, 5 के नीचे कितना है 1, तो 2 के ऊपर कितना होगा 1, 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 का गैप, ठीक है। आगे अपने को कुछ बोला है, नहीं बोला। 7 कहाँ है अपने पास, नहीं है, तो अपने पास फर्स्ट और सेकंड को जो मिला के कंडीशन आई वो ये आई है, .263.5. ये कंडीशन आई है अपने पास फर्स्ट और सेकंड को मिला के, बाकी का मैं मिटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है ये, क्योंकि हमने ये सारा यूज कर लिया है। तो अब अपन ऑप्शन के थ्रू सेकंड और थर्ड मिलाएंगे। सेकंड में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन बिलो 5, जितने उतने ही 2 के ऊपर होंगे, ठीक है, बस यही दिया। और बॉक्स 7 इज केप्ट वन ऑफ द प्लेस बिलो बॉक्स 5, 5 के नीचे 7 होगा। बॉक्स 2 इज केप्ट अबो बॉक्स 1, 2 1 के ऊपर होगा। क्या यहां से आपको लग रहा है कि अपन 7 बॉक्स को अरेंज कर पाएंगे, 1 2 3 4 बॉक्स टोटल अपने को दिए हुए हैं, तो 7 को कैसे अरेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, टोटल 7 बॉक्स को, तो इससे भी अपने पास आंसर नहीं आएगा सेकंड और थर्ड से। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, इससे नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा। अब थर्ड बचा है 1 और 2, 1 एंड 3। 1 से क्या दे रखा था अपने को, 5 और 6 के बीच में 2 का गैप, और 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 का गैप, और जो 6 है ना ये टॉप 3 पोजीशन में से एक पे होगा, ठीक है। तो अपन ने देखा था 2 और 3 रखते ही ये वाली पहली कंडीशन गलत हो रही थी, जिसमें अपन 6 यहाँ ले रहे थे, 6 यहाँ ले रहे थे वो रॉन्ग हो रही थी, बिकॉज 3 ऊपर जा रहा था, तो यही एक कंडीशन बची थी अपने पास, 6.5 अब 2.3। अच्छा वैसे वो तो रॉन्ग हो ही नहीं रही थी ना, चलो मैं वापस बना लेता हूँ, .6. वो गलत हो रही थी सेकेंड की वजह से, ये कंडीशन थी, 2.3 रखना है अपने पास, कोई ओपी तो कुछ नहीं बोला। बॉक्स B7 इज केप्ट वन ऑफ द प्लेस बिलो B5, 5 के नीचे 7 होगा, तो यहाँ
या फिर इन दोनों में से किसी एक में सेवन, इन तीनों में से किसी एक में सेवन हो जाएगा। बॉक्स बी टू इज केप्ड अबोव द बॉक्स बी वन, दो है वो एक के ऊपर होगा। क्या यहां से मेरे पास दो को मैं कहा यहां रख दूं? तो तीन नहीं रख सकता, दो को मैं यहां रखूं तो नहीं रख सकता, दो को मैं यहां रखूं तो तीन यहां रख सकता हूं, तो मैं एक यहां सात यहां, ये तो मैं अगर दो को यहां रख लूं, तीन को यहां रख लूं, एक को, तो यहां से कंफर्म नहीं है कुछ भी। ठीक है, सेवन और थ्री का, इसमें टू यहां नहीं रख सकता, टू और थ्री में से कोई सा भी मैं यहां नहीं रख सकता, एक यहां रख सकता हूं मैं और एक यहां रख सकता हूं। ठीक है, तो टू और थ्री में से एक यहां रखा तो मेरे पास एक यहां आ जाएगा, ये टू और ये थ्री, और एक जो भी बचा है वो यहां आ जाएगा। तो क्या थ्री कंफर्म हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये भी रॉन्ग। अपने को तो थ्री और सेवन में चाहिए ना, थ्री और सेवन कंफर्म होने चाहिए, बाद में कुछ भी करो। क्या मैं सेवन को यहां भी रख सकता हूँ? सेवन को मैं यहां भी रख सकता हूँ, थ्री को तो यहां मैं नहीं रख सकता, पर मैं टू को यहां रख सकता हूँ, थ्री को यहां रख सकता हूँ, डॉट सिक्स डॉट फाइव। अगर सेवन मेरे पास यहां होता तो टू और थ्री में से मैं यहां भी रख सकता था, फिर कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो ये कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा। कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा। कंफर्म अपने से अपने को क्या पता है, बस फर्स्ट और सेकंड से क्या रिलेशन आया वो अपने पास है, और कुछ भी अपने पास नहीं है। तो अपने पास फर्स्ट और सेकंड से क्या रिलेशन आया? टू सिक्स थ्री डॉट फाइव डॉट, ये फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेशन आया था। अब अपन थर्ड को इसमें ऐड करते हैं। बॉक्स बी सेवन इज केप्ट वन ऑफ द प्लेस बिलो बी फाइव, फाइव के नीचे सेवन सिर्फ यही आ सकता है। बॉक्स बी टू इज केप्ट अबोव बी वन, तो वन के ऊपर सिर्फ दो यहीं से जा सकता है, यहाँ रखूंगा तो नीचे हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी है, जो भी एक ऑप्शन बचा हुआ है वो बॉक्स रख दो। तो क्या सेवन और थ्री का अपन डेफिनेट रिलेशन निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या तीनों को मिला के आंसर आ रहा है? जैसे डी ऑप्शन में क्या दिया है, डज आर नॉट सफिशियंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ई ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ, और बताइए उनको कि अच्छी से अच्छी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर मेंबर ऑफ ए फैमिली, हाउ इज शी रिलेटेड टू जी, सी का जी से क्या रिलेशन होगा? क्या यहाँ पे सी और जी दोनों आ रहे? नहीं आ रहा सी और जी, नहीं आ रहा सी और जी, यहाँ भी नहीं आ रहा। तो क्या मेरे पास पहले और दूसरे को दोनों को मिला के सी और जी आ रहे? हाँ जी आ रहे। तो इसमें क्या बोला हुआ, ए इज मैरिड टू द मदर ऑफ डी, जो भी डी की माँ होगी उससे ए मैरिड होगा। भाई मेरा डिनोट करने का तरीका ये है कि जो भी मेंबर है उसको तो मैं मतलब है सर्कल में रखता ही रखता हूँ। अगर वो दोनों शादीशुदा हैं तो मैं ये ब्रैकेट लगा, ये वाला रेक्टेंगल लगाता हूँ उनके ऊपर। अगर महिला है तो माइनस लगाता हूँ, अगर मेल है तो मैं प्लस यूज करता हूँ, ऐसे मैं करता हूँ। अगर यहाँ पे जैसे इस प्लस का एक भाई और है तो मैं ये ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, आपकी अलग वे होगी, आप उससे लिखिए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे लिख रहे हैं, बस आप सही कीजिए। ठीक है, पहली और पहली से ये आ गया। आगे क्या बोले, हु इज द सिस्टर ऑफ सी, ये जो डी है ना ये सी की सिस्टर है। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है एफ इज मैरिड टू जी, एफ जी से मैरिड है। हु इज द फादर ऑफ ई, जी है वो फादर है तो एफ फीमेल हो गई, और ये फादर किसका है, ई का।
यहां से मैं इन दोनों को कुछ कनेक्ट कर पा रहा हूं? ई मेरे पास यहां भी आ सकता है, ई मेरे पास यहां से, इन दोनों में से एक ये बन जाए, तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। अपने को रिलेशन किसका निकालना है? सी के से रिलेट है। क्या सी का जेंडर पता चल रहा है आपको? यहां से सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि सात मेंबर ही करने हैं ना अपने को, तो इन तीनों में से एक को यहां रखना ही रखना पड़ेगा, इन तीनों में से एक को यहां पे रखना पड़ेगा, तो ये दोनों तो वहां जा नहीं सकते, तो ई ही वहां जाएगा, ई वहां गया, तो ये जी प्लस और एफ माइनस आ गया। क्या यहां से मेरे को सी का जेंडर पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा ना। ये मेरे पास पहले से आया हुआ था, ये मेरे पास सेकंड से आया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड। ई इज द नेफ्यू ऑफ मदर ऑफ सी, जो भी सी की माँ है उसका कोई भाई या बहन होगा, उसका सन है ई। क्या मैं यहां से कुछ कनेक्ट कर पा रहा हूं? अगर मैं इन दोनों को भी कनेक्ट करूं तो मेरे पास सी का क्या जेंडर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या मैं इन दोनों को कुछ कनेक्ट करूं तो मेरे पास सी का जेंडर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या मैं तीनों को कुछ कनेक्ट करूं तो सी का जेंडर आ रहा है मेरे पास? कहीं से भी नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं भी नहीं देर का, तो यहाँ पे डी राइट हो गया कि तीनों को मिला के भी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही था ना? हाँ जी। टेंथ देखते हैं। टेंथ में क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द कोड फॉर कैंडिड का कोड क्या होगा? यहां से क्या है? कैंडिड मूवमेंट्स आर ब्यूटीफुल, ये दे। तो पहले से तो अकेले से तो आ नहीं सकता, पहले और दूसरे को अगर अपन मिलाएं, कहीं से भी नहीं आ रहा अकेले से, तो पहले और दूसरे को अगर मिलाएं तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? मूवमेंट्स आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो चेरिस्ट का अपने को पता चल गया, पर यहाँ पे कैंडिड और ब्यूटीफुल दोनों का कोड अपने पास रह गया, यहां से नहीं पता चल रहा। अगर फर्स्ट एंड थर्ड से देखें तो एंजॉय कैंडिड मूवमेंट्स, तो यहां से सिर्फ मूवमेंट्स का पता चल रहा है, यहां से एंजॉय कैंडिड, कैंडिड और मूवमेंट्स दोनों का एक साथ पता चल रहा है फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं हो रहा, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं हो रहा, सेकंड एंड थर्ड अपन चेक कर लेते हैं। मूवमेंट्स आर चेरिस्ट, एंजॉय कैंडिड मूवमेंट्स, यहां से मूवमेंट्स का कॉमन आ जाएगा, पर एंजॉय और कैंडिड दोनों का रह गया, फिर नहीं पता चल रहा, तो इन दोनों से भी नहीं पता चल रहा। अब अपन पता करते हैं तीनों से, तो कैंडिड और ब्यूटीफुल का यहां से पता चल रहा था अपने पास, मोमेंट्स और आर का नहीं पता चल, और मोमेंट्स और आर दोनों का मिला के पता चल रहा था, तो क्या यहां से चेरिस्ट का मेरे को पता चल रहा है? हाँ जी, और मोमेंट्स और आर का, पर यहां से एंजॉय कैंडिड मोमेंट्स, इसमें अगर मोमेंट्स 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 पहले और तीसरे से मेरे पास कैंडिड और मोमेंट का आ रहा था, पर अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो मेरे पास तीनों में मोमेंट कॉमन है सिर्फ और सिर्फ, तो मोमेंट का भी मेरे पास आ जाएगा। कैंडिड मोमेंट का आ गया और मोमेंट का मेरे पास आ गया, तो सिर्फ कैंडिड का बचा, तो कैंडिड मोमेंट दोनों का पता है, मोमेंट का अकेले का पता है, तो कैंडिड का अपने आप पता चल गया, तो यहां से तीनों को मिला के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11। 8% पी क्यू आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल सच दैट फोर ऑफ देम सिट एट ए कॉर्नर एंड फोर ऑफ देम सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं, ये स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी, मेरे को आर और टी का पता करना है। पहले से अपन करते हैं 3% सिट बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब अपोजिट होंगे। वो डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, तो क्यू कॉर्नर पे नहीं होगा तो मिडिल पे होगा, तो क्यू तो पी यहाँ आ गया। एस डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, एस कॉर्नर पे नहीं जाएगा, मिडिल मतलब यहाँ भी आ सकता है एस और यहाँ भी आ सकता है।
एंड ऑल्सो डज नॉट सिट नियर टू आर। एस यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, पर ये आर के पास में नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन से मेरे को इतना ही पता चल रहा है। सेकेंड कंडीशन इसमें अगर मैं इमेज करूं, डब्ल्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। डब्ल्यू थर्ड के लेफ्ट में, एंड 3% सीट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। डब्ल्यू और आर के बीच में 3% होंगे। ये हो गया एक। तो एक अगर मैं डब्ल्यू और आर को मिडिल पे बैठा दूं तो कुछ गलत करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि कोई नहीं बोला हुआ डब्ल्यू और आर को, तो ये यहाँ पे क्योंकि थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू हो गया। ये दोनों कंडीशंस आ रही हैं। यहाँ से अपने पास पी और क्यू पता था, वहां से सिर्फ और सिर्फ। तो अगर मैं क्यू के थर्ड राइट में डब्ल्यू लूँ, क्यू के थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू लूँ, तो डब्ल्यू यहाँ आएगा। मैं अलग पेन से डिनोट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो। डब्ल्यू यहाँ आएगा, डब्ल्यू यहाँ आएगा, तो डब्ल्यू और आर अपोजिट होंगे। आर अपोजिट हुआ तो एस यहाँ आ जाएगा। एस यहाँ आया तो क्या मेरे को यहाँ से आर और टी का पता करना था? टी का पता चला मेरे पास, टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है। पहले और दोनों को सेकंड को मिला के मेरे पास नहीं आ रहा। पहले और थर्ड सेकंड को मिला के मेरे पास नहीं आ रहा ना। यहाँ ऐसा आ सकता था, फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं आ रहा। सेकंड एंड थर्ड, थर्ड बढ़ते हैं। वी डज नॉट सिट नियर टू आर एंड पी। वी आर और पी के पास में नहीं होगा, तो क्या यहाँ से कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है यहाँ से, तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो सिर्फ आर दिया है, पी तो कहीं दिया नहीं। ठीक है, पहले वो थर्ड को मिलाए, फिर आर और पी तो वहां कुछ आएगा। पी आ रखा है तो वी वहां नहीं आएगा। वी इन नीचे वाले मतलब यहाँ से, इनमें से और इनमें से आ सकता है कहीं भी। फिर कुछ खास डिसाइड नहीं हुआ यहाँ पे। क्या मैं इन तीनों को मिला के ले सकता हूँ? तीनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो क्यों के थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू मेरे पास यहाँ आ गया, डब्ल्यू मेरे पास यहाँ आ गया, तो आर मेरे पास यहाँ आ गया, तो एस ये यहाँ आ गया। मेरे को बोल रहे हैं वी है वो आर और पी के पास नहीं होगा, मतलब वी यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो वी सिर्फ यहीं आएगा। तो मेरे पास कौन कौन बच गया? अभी भी टी और यू बच गया ना, टी एंड यू। क्या टी और यू के बारे में मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है? इसमें से भी नहीं है, इसमें मेरे पास नहीं है, इसमें भी मेरे पास नहीं है, तो तीनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th डाटा सफिशियंसी का लास्ट क्वेश्चन। 8% पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर लिविंग इन ए बिल्डिंग ऑफ 8 फ्लोर्स सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड नंबर्ड एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इफ टी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो यू देन हाउ मेनी पर्सन विल बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। 8 में 8 फ्लोर है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ओनली 3% लिव बिटवीन क्यू एंड एस। हु लिव्स अबोव क्यू? तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। अगर एस यहाँ होता है तो 3 छोड़ के क्यू यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ होता है तो 3 छोड़ के क्यू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और बन सकता है? नहीं बन सकता। अपने को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दिया, इफ टी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो यू, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि यू के नीचे टी होगा। ठीक है, सेकेंड को मिलाते हैं, ओनली 3% लिव बिटवीन पी एंड यू। वो लिव्स इमिडिएटली बिलो क्यू, क्यू के इमिडिएटली बिलो क्यू होगा, तो यू यहाँ लेता हूँ तो यू के नीचे इसमें टी नहीं आ पाएगा। तो यू और पी के बीच में 3 का गैप, 1 2 3, ये पी आ गई। तो डब्ल्यू और टी का रिलेशन निकालना है मेरे पास। टी इन दोनों में से भी कहीं आ सकता है, आगे भी मेरे को कुछ नहीं पता। तो यहाँ से ये फर्स्ट एंड सेकेंड से आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला के। अब देखते हैं, ओनली 2% लिव बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। यहाँ से तो मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं आ रहा, एस और डब्ल्यू का तो वैसे भी कुछ नहीं दे रहा, पर अगर इन तीनों को मिलाते हैं
मेरे पास दे रखा है एस डॉट डॉट डब्ल्यू, बस इतना ही आया मेरे पास। तो टी तो इन दोनों में से फिर भी कहीं भी आ सकता है ना, जब तीनों को मिला के ही नहीं आ रहा तो किसी दो से तो क्या ही आएगा। तो डी इज ऑप्शन राइट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th। 13th क्वेश्चन आया मेरे पास, ये आया हाइट बेस पे क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है, 8% ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच हैव डिफरेंट हाइट्स, बी इज टेलर देन ओनली 1%। 8% थे मेरे पास, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब इधर वाला मैक्सिमम हाइट है और इस वाला लो हाइट है। तो आर क्या बोल रहा है, बी इज टेलर देन ओनली 1%, बी सिर्फ एक व्यक्ति से बड़ा है। तो मैं क्या बी को यहाँ लिख सकता हूँ, इतने से बड़ा होगा तो बी को मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं लिख सकता हूँ। आगे बोला डी इज टेलर देन ई, डी इज टेलर देन ई बट शॉर्टर देन ए, द सेकेंड टेलेस्ट पर्सन हाइट इज 175, इसकी हाइट मेरे पास 175 होगी। सी इज टेलर देन ए एंड एफ, सी ए और एफ दोनों से बड़ा होगा। एफ की हाइट 170 हो गई। ई इज टेलर देन जी, ई जी से बड़ा होगा। एंड थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन हाइट इज 160, इसकी हाइट 160 हो गई। ठीक है, सी इज नॉट वन ऑफ द हु इज टेलेस्ट, सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा। तो सी से बड़े बड़े कितने, एक दो, ये आ गए 3 4 5 और एक, ये 6 बड़े हैं सी से। तो सी से 6 बड़े हैं तो कहाँ आएगा, एक दो, सी से 6 छोटे हैं सॉरी, तो सी से 6 छोटे हैं तो कहाँ आ सकता है सी, एक दो तीन चार पाँच छः, ये तो सी से छोटे हो गए तो सी या तो यहाँ या यहाँ आ सकता है, पर सी को टॉप पे जाने से मना किया है। ये आ गया, तो सी टॉप पे नहीं जाएगा, तो ये सारे छोटे हैं तो सी से बड़ा कौन होगा, सिर्फ एक एच नहीं है तो एच इससे बड़ा हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जीईडी जी ई डी, डी यहाँ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, डी का हमें अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि एफ तो इन दोनों के बीच में आएगा ना, एफ यही तो आएगा 170 वाला। ठीक है, सी से छोटा होगा ए, पर ए से, ए डी से बड़ा होगा। मेरे पास एक तो कंडीशन ये आ जाए, ए डी और एफ ये आ जाए, एक मेरे पास आ जाए एच सी ए एफ डी ई बी जी, एक ही आ जाए मेरे पास, एक आ जाए मेरे पास एच सी एफ ए डी ई बी जी, ये तीन कंडीशन मेरे पास आ रही है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें कंफर्म कुछ भी नहीं पता, कुछ गलत तो नहीं किया है। वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 20 टेलर देन ओनली 1%, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डी इज टेलर देन ई बट शॉर्टर देन ए, डी ई से बड़ा है पर ए से छोटा है, डी ई से बड़ा है पर ए से छोटा है, डी ई से बड़ा है पर ए से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड पर्सन सी इज टेलर देन ए एंड एफ, सी ओ ए और एफ दोनों से बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है। एफ की हाइट 170 है, ठीक है, ई इज टेलर देन जी, ई जी से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन हाइट इज 160, बिल्कुल ठीक है। सी इज नॉट द वन हु इज टेलेस्ट, मतलब ये तीनों कंडीशन आएंगी आपके पास बाई क्वेश्चन, आपको एक कंडीशन चूज करनी है और उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन थे जैसे मैं आपको पहला बता देता हूँ, इफ एफ इज टेलर देन ए, जैसे ये बोल दिया ना यहाँ, इफ एफ इज टेलर देन ए, इफ एफ इज टेलर देन ए, एफ ए से बड़ा होगा, तो इसमें हो रहा है नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है नहीं हो रहा, सिर्फ यही कंडीशन बची। तो यहाँ पे ये तो 160 था, ये 170 था और ये 175 था। ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में है, मैं नहीं कह रहा कि पहले दोनों केस इस सेकेंड क्वेश्चन में भी गलत होंगे। एंड द सम ऑफ द हाइट ऑफ ए एंड ई इस 325, ए और ई की तीनों की दोनों की मिला के 325 होगी, तो ई की 160 है तो ए की 165 हो गई। ए की देन व्हाट कैन बी पॉसिबल हाइट ऑफ डी, डी की हाइट पूछ रहा है, तो डी की हाइट 160 से 165 के मिड की होगी, बिल्कुल। तो 160 से 165 के मिड का ऑप्शन कौन सा है,
डी 161। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन। भैया ये मुझे नहीं आते, इसका कौन सा आंसर होगा? मैं आपको वो कमेंट बॉक्स में डाल दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बाद में घर पे बनाना और फिर कमेंट में देखना कि आपने सही बनाया था नहीं बनाया था। आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ये 15 से 16 दो क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन भी अपने को तो नहीं आता। देखो भाई मेरे को नहीं आता, मैं और छोटा हो जाता हूँ फिर यहाँ छुप रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेवन पोल्स नेमली ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर इंस्टॉल्ड इन ए सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। पोल डी इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पोल ए। जो डी है, वो ई के 5 मीटर ईस्ट होगा, ए के, सॉरी पोल डी इज, हाँ पोल एफ इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पोल बी विच इज 15 मीटर साउथ ऑफ पोल डी। डी के साउथ में 15 मीटर पे कौन होगा? बी हो गया। पोल एफ इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पोल बी। एफ कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 8 मीटर वेस्ट बी के। पोल ई इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पोल ए। जो ई होगा वो यहाँ हो जाएगा 3 मीटर वेस्ट ऑफ, क्योंकि 5 प्लस 3 8, तो ये दोनों लाइन, दोनों ए पॉइंट एक साथ आएंगे, दोनों इक्वल हो रहे हैं। आगे बोल रहे हैं पोल सी इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पोल जी। सी है वो जी के 15 मीटर ईस्ट में होगा। विच इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ पोल ए। पोल ए से 12 मीटर नॉर्थ कौन होगा? जी, और जी से 15 मीटर ईस्ट में सी। ये आपका डायग्राम बन गया, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ से। 19 से 20 8% ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर मेंबर ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेशन एंड 2 मैरिड कपल्स। बोथ एच एंड बी आर मेल एंड सी इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, कुछ नहीं बोला हुआ। बोथ एच एंड बी आर मेल्स। मेल को मैं कैसे लेता हूँ? दोनों को पॉजिटिव बना के लेता हूँ। ठीक है, सी इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई। जो सी है वो ब्रदर है किसका? ई का। पर ओनली ब्रदर है मतलब मैं यहाँ पे एक डॉट लगा लेता हूँ, जिससे मेरे को बाद में पता चलता रहे कि सिर्फ ओनली बोला था, मतलब और कोई ई का ब्रदर नहीं होगा, सिस्टर जरूर हो सकती है। हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एच। जो ई है वो ग्रैंड डॉटर होगी एच की। ठीक है, नाइदर ए नोर बी इज मैरिड टू एच। ए और बी इससे दोनों मैरिड नहीं होंगे, दोनों में से कोई सा भी मैरिड नहीं होगा। एच हु हैज 2 चिल्ड्रन एंड वन ऑफ देम इज अनमेरिड। एच के 2 चिल्ड्रन है और एक अनमेरिड है, मतलब जिसके संतान हो गई वो मेरिड वाला हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 मेंबर आ गए अपने पास। जी इज द पेटर्नल आंट ऑफ एफ। हु इज मेरिड टू मदर ऑफ सी। जो एफ है वो सी की जो भी मदर है उससे मेरिड हो गया, तो मतलब एफ प्लस का हो गया। जी इज द पेटर्नल आंट ऑफ एफ। जो जी है वो पेटर्नल आंट होगी एफ की। सी की मदर कौन है यहाँ पे? या तो ये है या ये है, उन दोनों में से एक से विवाहित है एफ। अगर एफ को मैं यहां लेता हूं तो जी इज द इसकी पेटर्नल आंट होगी, मतलब इसके जो फादर है उसकी बहन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर आ रहे हैं, अभी तक कोई गलत नहीं है। पर अपने को क्या बोला है? ए और बी एच की वो फीमेल नहीं है, मतलब वाइफ नहीं है, मतलब कोई ना कोई तो एक उसकी वाइफ हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो अगर एक ना एक उसकी वाइफ हुई होगी तो
तो क्या मैं यहाँ पे उसकी वाइफ बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। नहीं बना सकता ना, तो मेरे को एफ यहीं लेना पड़ेगा। ये प्लस का और ये माइनस का, इन दोनों की शादी और की है, ठीक है। एफ के ऊपर जो एच है उसकी किसी से शादी हुई, ये भी है। पर जी इज द पेटर्नल आंट ऑफ एफ, मतलब जो एफ के फादर हैं एच, उनकी बहन जी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास कितने मेंबर हो रहे हैं यहाँ से? तीन तीन छः, दो आठ मेंबर हो रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या बोला हुआ है? एच और बी, क्योंकि एच यहाँ पे जो मेरिड, जो मेल बोला हुआ था ना, उसकी वजह से मैंने एच को यहाँ पे मेल लिया, तो ये फीमेल, तो ये जी इसकी वजह से इधर आई थी, ठीक है। अब अपने पास कौन कौन बच गया? एक तो बी प्लस बच गया, एक अपने पास बच गया ए बच गया, एक अपने पास बच गया ए बी सी डी बच गया। बी प्लस है तो बी और ए तो यहाँ वैसे ही नहीं जा सकते, तो डी यहाँ आ गया। ये फीमेल होगी, बी का पॉजिटिव बोला हुआ है तो ये ए हो गई और ये बी प्लस हो गया। ये आपका ब्लड रिलेशन का डायग्राम बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज ये 20 क्वेश्चन ही देखेंगे अपन, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसकी एक सेकेंड क्लास भी अपलोड करूंगा, वो मैं कल करूंगा, तो वो भी अपन एक 20 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें @bank एग्जाम प्रिपरेशन, जो अपने इस चैनल का लिंक, जो चैनल का नेम है उसमें 2.0 है, तो 0.0 हटा के ये आप पेस्ट कर दें टेलीग्राम में। और अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो @MathsQuiz188 ये ग्रुप का नेम है, यहाँ से आप इसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।